हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। जॉब्सन करियर में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज फिर से एक नया जॉब लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो आज का जो रिकमेंड है वो इंडियन एयरफोर्स से है और बहुत सारे वैकेंसीज है, कुल मिलाकर 1524 वैकेंसीज है। तो आप 10th स्टैंडर्ड मतलब मेट्रिकुलेशन पास आउट हो, आप 10+2 मतलब 12 पास आउट हो और ग्रेजुएशन पास आउट हो तो ज़रूर अप्लाई कर दीजिए इसमें। और पूरा डिटेल्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और कैसे अप्लाई करेंगे वो प्रोसीड्योर में फुल यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि मैं डेली बेसिस जॉब ले आता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन डेली मिलता रहे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, इंडियन एयरफोर्स से जो रिकमेंड है ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ग्रुप सी का जॉब मिलेगा और यहाँ पे देखिए कुल मिलाकर मैं पहले ही बता चुका हूँ 1524 वैकेंसीज है, जिसमें स्टेनो ग्रेड का पोस्ट है और देखिए पे कुकिंग का पोस्ट है, मेस स्टाफ का पोस्ट है, हिंदी टाइपिस्ट का पोस्ट है, हाउसकीपिंग का पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लार्क का है। तो अलग अलग पोस्ट है। तो आप पूरा डिटेल्स में आपको नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा कौन सा पोस्ट के लिए कितना वैकेंसीज है। तो आप यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन में आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स आप पहले देख लीजिए। परमानेंट जॉब मिलेगा गवर्नमेंट सेक्टर में, फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों ही अप्लाई कर सकती है। सिर्फ आपका एज लिमिट होना चाहिए 18 से 25 ईयर्स, ठीक है। सिलेक्शन जो प्रोसेस रहेगा, पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो आप जरूर अप्लाई करिए, जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात, एप्लीकेशन फीस कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ 10 रुपये का पोस्टल स्टैम्प। आपका जो एप्लीकेशन, एक्चुअली एप्लीकेशन जो प्रोसेस है टोटली ऑफलाइन है, मतलब आपको फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा विद डॉक्यूमेंट्स। तो उसके साथ आपको 10 रुपये का स्टैम्प, आपको उसका फॉर्म का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका जो खाम है उसमें आपको स्टैम्प को चिपकाना पड़ेगा और उसके बाद भेज देना होगा एड्रेस में। तो एड्रेस कहाँ से मिलेगा वो भी दिखाऊंगा, देखते जाइए। सैलरी पैकेज देखिए 8 लाख सैलरी पैकेज, 8 लाख से 12 लाख पर एनम आपको सैलरी पैकेज मिलेगा। फिर भी आप नोटिफिकेशन चेकआउट कर लीजिएगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए 10+2 और ग्रेजुएशन पास हो तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसका लास्ट डेट रहेगा 2 मई और 3 अप्रैल से शुरू हो चुका है। तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। और एप्लीकेशन का प्रोसीड देखिए, अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक कर देना, इस पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको पूरा डिटेल्स में मिल जाएगा कौन सा पोस्ट में कौन सा एरिया से अप्लाई करना चाहते हैं, उसका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है और बाकी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आप नीचे जाकर फॉर्म भी आपको मिल जाएगा, अब मैं दिखा रहा हूँ, देखते जाइए। यहाँ पे देखिए नीचे आपको फॉर्म मिल जाएगा, इस फॉर्म को आपको कोई भी साइबर कैफे से और आप खुद प्रिंट आउट कर सकते हैं। प्रिंट आउट करके आप इसको फिलअप करके भेज देना और एड्रेस जो है होगा वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा कौन सा एड्रेस। यहाँ पे देखिए कौन सा एड्रेस में आप भेजना चाहते हैं, मतलब कौन सा एड्रेस से आप करना चाहते हैं अप्लाई, तो उस एड्रेस में आपको भेजना है। जिस स्टेट में है आप उस स्टेट से आप अप्लाई करिए और कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए आप भी अप्लाई कर दीजिए। तो आई होप जॉब का पूरा एड्रेस आपको समझ में आएगा। तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए आप एलिजिबल हो तो। और मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है तो टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम में डालता रहता हूँ। तो आई होप जॉब का पूरा डेट सब समझ में आ गया। तो जैसे जल्द अप्लाई कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट जॉब में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। बाय बाय, धन्यवाद।